समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कम्युनिटी पार्टी के कार्यकर्ताओं के नागरिक संशोधन कानून CAA भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार जिला मुख्यालय पर DM कार्यालय के सामने प्रदर्शन और भाजपा भाषणबाजी की, जिसके कारण परमिशन के राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय में ठीक सामने घंटों प्रदर्शन और भाषण भी किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बयान के बाजी के बाद भी एक घंटे बाद समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिलाधिकारी को अपनी नमामि पत्र के रूप संबंधित नेताओं के बताया कि हम लोग पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार यहाँ जिलाधिकारी के कार्यालय में प्रदर्शन किए जाएंगे, शांतिपूर्ण ढंग से रहा है, लेकिन हम लोगों ने माननीय अखिलेश यादव के पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार अपना विरोध पत्र के रूप में दर्ज कर दिया है, जिसमें हम लोगों ने महंगाई बेरोजगारी के साथ नागरिकता संशोधन बिल जिसमें मुसलमानों के साथ सौतेले व्यवहार किया गया है उसको हटाने की मांग की गई है। चार किसानों की समस्या तमाम सारे मुद्दों पे हम लोग आज धरना दिए। माननीय DM साहब ने 144 धारा को हवाला देते हुए इन्होंने परमिशन नहीं दिया। बहरहाल इस धरने को कैंसिल कर लो, पत्रक के रूप में जिलाधिकारी आवास के सामने हम लोग धरने। जब आपको अनुमति नहीं मिली थी तो आखिर आप लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय को घेरा भी था? किसी के बाप का थोड़े नहीं, ये तो संवैधानिक देश है। हम एक हाथ में तिरंगा है, दूसरे में संविधान है, तब तो मुकम्मल हिंदुस्तान है। आज परमिशन नहीं मिला तब भी तो हम यहाँ पे आए हैं और अपनी बात को मजबूती से कहे हैं। सारे हमारे वक्ता अपनी अपनी बात को कहे हैं और निश्चित तौर पर हम लोग कानून का पालन करने वाले, हम लोग कानून की पालन करेंगे, लेकिन एक सीमा से ज़्यादा जब ऐसा होगा तो हम लोग अपना सम्मान बचाना जानते हैं। और जिस दिन अपने सम्मान में समाजवादी सड़कों पर आएगा तो किसी प्रशासन की बस की बात नहीं रह जाएगी, इसमें कहीं कोई न शंका है न संशय है। CAA के अगेंस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने और समाजवादी पार्टी के लोगों ने कलेक्टिव मुख्यालय पे आकर के एक ज्ञापन दिया है। ये ज्ञापन में राज्यपाल को ये शांतिपूर्ण ढंग से सब था, बिल्कुल शांतिपूर्ण है और आप लोगों ने देखा भी कुछ शांतिपूर्वक लोग बैठ कर के उन्होंने अपना ज्ञापन दिया। ठीक है, लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।